सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद के देसी नुस्खे चैनल और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के देसी नुस्खे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसा रेमेडी शेयर करने वाला हूं जिसे अपने चेहरे में निखार लाएंगे और बहुत ही बेहतरीन स्क्रब बताने, एक मैजिकल स्क्रब होगा दोस्तों जो कि आपके चेहरे पे इंस्टेंट लेवल पे बहुत ही बेहतरीन निखार ला सकते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि आपकी जो सनटैन है सनटैन को भी दूर करेंगे, या किसी तरह का स्पॉट्स वगैरह हो, या आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा कालापन हो गया हो, या बहुत ज्यादा गंदगी हो गई हो, वो सारी गंदगी को साफ करके आपके फेस को बहुत ही बेहतरीन फेयर बनाएगा दोस्तों। तो नंबर वन जो चीजें यूज करने वाले हैं दोस्तों, हम यूज करेंगे वो है सेंधा नमक, जैसे कि आप देख रहे हैं वर्त का शुद्ध सेंधा नमक। इस सेंधा नमक को हमें यूज करना है। इसकी मात्रा क्या होगी दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस क्या करना है, सेंधा नमक जो और शहद का स्क्रब त्वचा में निखार लाने में बहुत ही मदद कर रहा है। दूसरा नंबर जो यूज करने वाला दोस्तों वो है हनी यानी शहद। इन दोनों चीजों को हम मिक्स करके एक बेहतरीन पेस्ट बनाने वाला है, यानी ये स्क्रब बनाने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी मिलने वाला है दोस्तों। शहद टैनिंग को दूर करने का काम करता है दोस्तों, और त्वचा में नमी प्रदान करता है ये शहद। दूसरा, सेंधा नमक जो है हमारी त्वचा में निखार लाता है दोस्तों, और किसी भी तरह की स्पॉट्स होते हैं, किसी भी तरह की दाग धब्बे होते हैं, किसी तरह का जो डेड स्किन होते हैं डेड स्किन को रिमूव करता है दोस्तों। तो स्क्रब बनाने के लिए हम एक कटोरी ले लेंगे क्लीन बॉल, और क्लीन बॉल में हमें सेंधा नमक लेना है। लगभग आप 2 चम्मच आप सेंधा नमक ले लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें कुछ बूंदे जो हैं, लगभग आधा चम्मच आपको शहद मिक्स करना है इसमें। तो आइए हम शहद मिक्स कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है दोस्तों, कुछ इस तरह से जो कि मैं मिक्स कर रहा हूं दोस्तों। मिक्स करने के बाद जो आपका स्क्रब अब तैयार हो चुका है दोस्तों, देख रहे हैं आप। अब इसे यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए अच्छे यानी नॉर्मल वाटर से आप फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद टॉवल से अपने फेस को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, और साफ करने के बाद इसे चेहरे पर लगा लीजिए। चेहरे पर लगाने के बाद लगभग 5 से 7 मिनट तक आप ऐसे छोड़ दें। सूखने के बाद जब आपके लोगों के सूख गए हैं दोस्तों, फेस पे लगाने के 5-7 मिनट छोड़ने सूखने लगेगा, जब लगेगा कि सूख गया है, सूखने के बाद आपके त्वचा को पानी से धो लेना है दोस्तों। इस उपाय को हफ्ते में 2 बार करना है बेहतरीन रिजल्ट के लिए दोस्तों। इस तरह से आपके चेहरे पे एक बेहतरीन निखार आएगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपके चेहर जो फेस पे टैनिंग है या किसी तरह का आपको डेड स्किन वगैरह है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा, और आपके फेस काफी निखार और चमकदार दिखने लगेगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली आपको 10:30 से 11 PM के बीच एक नया रेमेडीज आपको मिलेगा दोस्तों हमारे चैनल पे। और ये रेड वाला बटन जो है ना दोस्तों, इसके साथ सेंधा नमक लगाइए या कोई फेसियल स्क्रब लगाइए या शहद लगाइए, बस ये बटन के साथ ना कुछ भी कीजिए, क्रिकेट खेलिए फुटबॉल खेलिए, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बटन को तोड़ दो फोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं एक बेहतरीन रेमेडी के साथ। तब तक हम चलते हैं, खा पी के आते हैं, धन्यवाद।